नाजरीन, हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जो बाद में उसकी पहचान बन जाती है। जैसे अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, लंदन में टावर ब्रिज है, कराची में मज़ार ए कायद है, वैसे ही लाहौर की मीनार ए पाकिस्तान बहुत बड़ी पहचान बन चुकी है, जिसे लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि लाहौर लोग मीनार ए पाकिस्तान को देखने आते हैं। जी नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त काशी सोत्रा, और आप देख रहे हैं नारंग मंडी सिटी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ जगहें और मुख्तलिफ लोगों से मिलवाता हूं। तो आज मैं आपको लेके आया हूं पूरे पाकिस्तान की पहचान, मीनार ए पाकिस्तान। नाज़रीन, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, खास तौर पर ज़िशान ब्रो, थैंक यू सो मच यार, ये हमारे टॉप फैन है, तो इनकी डिमांड थी कि भाई आप किसी हिस्टोरिकल जगह पे जाएं, तो आज मैं आपको लेके आया हूँ मीनार ए पाकिस्तान। जी तो ना सिर्फ मैं ज़िशान भाई का, बल्कि आप सबका भी बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी 5.1 के फैमिली को कम्प्लीट करवाया। तो इसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमने यूट्यूब चैनल भी बना लिया, जहाँ पे आप सबकी इसी तरह बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी आप यूट्यूब चैनल पर भी आएँ, नारंग मंडी सिटी, में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उधर भी हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी यूट्यूब पर भी बहुत बड़ी फैमिली बन सके। लेके आया हूँ मीनार ए पाकिस्तान, जिसकी थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री बताता जाऊँ, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं बताऊँगा, बल्कि चीज़ें सिर्फ दिखाऊँगा, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में मैं, मेरा चैनल नहीं है, तो ना ही मैं आपको, लेकिन बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मीनार ए पाकिस्तान जो 1960 से 1968 तक बना। हाँ जी, तो नाज़रीन, अगर हम मीनार ए पाकिस्तान की लंबाई की बात करें, तो ये करीबन 203 फीट लंबा है, और इसकी जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे बिल्कुल बंद कर दिया गया है, क्योंकि 2005 के करीब लगभग 26 लोगों ने यहाँ से खुदकुशी की थी, जिसकी वजह से ऊपर वाले एरिया पे जाना अब ममनू है। हाँ जी, तो नाज़रीन, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं कि ये एक मज़ार है, तो ये जो पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने वाली शख्सियत यानी कि हफीज़ जलंधरी साहब का मज़ार है, तो आइए मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। जी तो नाज़रीन, ना सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान का कौमी तराना लिखा, बल्कि कश्मीर का कौमी तराना भी हफीज़ जलंधरी साहब ने लिखा। जी तो नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बादशाही मस्जिद के एंट्रेंस पे, और इस साइड पे शाही किला के एंट्रेंस है, लेकिन आज मैं उस जगह आपको लेके नहीं जाऊँगा, क्योंकि अंधेरे की वजह से मोबाइल की एक तो बैटरी लो हो गया है, और दूसरा क्लिक भी नहीं, शूट भी नहीं अच्छा हो रहा, जिसकी वजह से मैं आपको उधर नहीं लेके जा सकता, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी ही मैं इधर आऊँगा, मुझे भी क्योंकि इधर आके बहुत मज़ा आया। अंदर नहीं जाएंगे, आज की वीडियो हम यहाँ तक ही रखते हैं।
जी तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, याद रखिएगा, हमने यूट्यूब चैनल भी बना लिया, उधर भी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जल्दी जल्दी से यूट्यूब भी आ जाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। जी तो नाजरीन, आखिर पे मैं एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि फेसबुक की तरफ से हमें पब्लिक सपोर्ट मतलब स्टार मिल चुका है। अब आप ना सिर्फ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि स्टार देकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग नारंग मंडी सिटी।